तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने हाइट को किस तरह से इंक्रीज करवा सकते हो, 2 से 3 इंच आपको कितना समय लगने वाला है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको 1 महीने 20 से 30 दिन का समय लगने वाला है अपने हाइट को कम्प्लीटली ग्रोथ करने के लिए, यानी 2 से 3 इंच ग्रोथ करने के लिए। तो गाइज अगर आप इतने दिन तक रुक सकते हो तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो दूसरे वीडियो को देखो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो गाइस आज पूरी की पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इंक्रीज किया और आपको किस तरह से इंक्रीज करना चाहिए। मेरा भी हाइट बहुत ज़्यादा आपको पता होगा लास्ट वीडियो से, और तो और आपको थंबनेल से भी पता चल चुका होगा। तो गाइस इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस इसी के साथ चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो गाइस आपका हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्या, HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और आपको टेस्टोस्टेरोन। दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके हाइट को जो है बढ़ा देगा, आपके लुक को इनहेंस करेगा, आपके स्किन के क्वालिटी को बढ़ा देगा, आपके हेयर की क्वालिटी को बढ़ा देगा। HGH बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, तो आपके हाइट को बढ़ाने के लिए। तो HGH इज इक्वल टू ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और ह्यूमन के ग्रोथ के लिए स्पेशली जाना जाता है। तो गाइज आखिर ये किस तरह से हम लोग इसके बॉडी में, यानी कि अपने बॉडी में जिन लोगों का जो है हाइट कम होता है उनमें ये जो है बहुत कम जो है रिलीज होता है ये हार्मोन, उनके हार्मोन को किस तरह से इंक्रीज करवाया जाए, इसी वीडियो में मैं आज पूरा डिस्कस करने वाला हूँ और आपके हाइट को बढ़ा देने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो में अंतिम तक बने हुए रहिएगा। सबसे पहले पॉइंट आती है क्या, रेड्यूस शुगर इंटेक। जी हाँ गाइज, आपको मीठा खाना बहुत ही ज़्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि मीठे में जो है कार्ब्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जी हाँ गाइज, आप कुछ भी खाते हो तो आप क्या करो कि मीठा को थोड़ा सा कट करो गाइज, क्योंकि उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। जितना भी ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे और बॉडी में इंटेक करोगे गाइज, वहाँ पर क्या होगा कि आपका हाइट बढ़ने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके बॉडी में फैट जमा होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कारण, जिसके कारण आपको प्रोटीन जो है अच्छे से नहीं मिल पाएगा। और प्रोटीन जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है HGH को बढ़ाने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना होगा। प्रोटीन इंटेक में आप क्या क्या ले सकते हो जो कि आपके सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाए? तो प्रोटीन इंटेक में आप ले सकते हो चना, ले सकते हो सोयाबीन का दाना, ले सकते हो गाइज, और तो और क्या ले सकते हो, तो फिश ले सकते हो, मछली। जी हाँ गाइज, मछली में भी लीन प्रोटीन होता है, और साथ में साथ आप चिकन ले सकते हो, अंडे ले सकते हो, फिर दूध ले सकते हो, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो गाइज, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में, मतलब कि कम दामों में, सस्ते दामों में नहीं लेकिन कम दामों में आप अपने हाइट को जो है बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दूसरा चीज़ जो मुझे हेल्प किया वो है क्या गाइज, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए आप खाते तो हैं लेकिन आपको लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके बॉडी में लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि HGH को रिलीज़ करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो रिलीज़ होगा तभी जब आप एक एक्सरसाइज करोगे, अच्छे से एक्सरसाइज करोगे। अब आपको एक्सरसाइज में कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं, तो गाइज बहुत सारे एक्सरसाइज जो कि HGH को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, रनिंग, जंपिंग, हैंगिंग, साइकिलिंग। जी हाँ गाइज, रनिंग, जब आप दौड़ते हो तो क्या होता है कि आपके बॉडी पूरा वर्क करती है, और साथ में आपके बॉडी में प्रॉपर जो है हार्मोन का जो है इधर उधर ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, वो प्रॉपर ढंग से काम करता है। और रनिंग के साथ साथ क्या होता है, आपके पूरे बॉडी में एक्जर्शन होता है, यानी कि आपके बॉडी का पूरा जो है पार्ट जो है वो काम करता है गाइज, जिससे क्या होता है कि आपके बॉडी में स्ट्रेन आएगी। तो रात में क्या होगा कि आप जब अंगड़ाई लोगे गाइज, पूरा बॉडी जो है आपका हल्का दर्द करेगा क्योंकि आप रनिंग किए हो। तो गाइज रात में क्या होता है कि अंगड़ाई आता है, अंगड़ाई की वजह से आपका हाइट जो है खींचेगा, हाइट जो है बढ़ेगा। तो गाइज आपको रनिंग आज से स्टार्ट कर देने चाहिए, साथ में साथ ये क्या करेगा कि HGH हार्मोन को जो है बढ़ाएगा अगर आप डेली रनिंग करते हो। तो गाइज आपको 4 से 5 किलोमीटर डेली जो है रनिंग का। सेकंड नंबर चीज़ है जंपिंग। जी हाँ गाइज, आप जंपिंग करते हो तो वहाँ पे HGH हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, सिक्रीट निकलता है बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा गाइज कि जंपिंग आपको डेली करना है, जिससे कि आपकी हाइट ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। हैंगिंग पे, तो हैंगिंग जी हाँ गाइज, आपको लटकना है, लटकने के लिए क्या करना होगा गाइज, आपको ऊपर जो है रड पर लटक जाना है गाइज, लटक के आपको जो है सीधे कुछ देर तक होल्ड करना है, थोड़ी देर तक होल्ड करना है। इससे क्या होगा कि जब आप लटकोगे तो वहाँ पे क्या होगा गाइज कि आपका पूरा बॉडी जो है स्ट्रेच, वहाँ पे HGH भी रिलीज होगा, जिसके कारण आपका हाइट जो है बढ़ोतरी होने, यानी बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसी के साथ आता है गाइज साइकिलिंग। साइकिलिंग जब आप करते हो गाइज, तो वहाँ पे क्या होता है HGH रिलीज होता है, और साथ में क्या होता है गाइज कि आपके पैर के जो है पैर पे स्ट्रेन पड़ता है, पैर के मसल्स जो है खींचते हैं, गैप बनता है वहाँ पे गाइज, बोन के बीच में जो है आपको बोन खींचाता है, तो वहाँ पे बीच में जो है गैप बनता है उसके सेल्स में, तो वो जो है प्रोटीन वगैरह लोगे तो वो भर जाएगा और अच्छे से आपका जो है हाइट में जो है बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब गाइज ये थी एक्सरसाइजेस की बात, अब इसके बाद वाले बात की तरफ बढ़ते हैं, स्लीप क्वालिटी, यानी कि जितना भी आप ज़्यादा सोओगे उतना ही आपका जो है HGH जो है रिलीज़ होगा, और साथ में क्या होगा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज़ होगा, जिसके कारण क्या होगा गाइज आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपका हाइट का भी बढ़ोतरी होगा, आप और ज़्यादा लंबे होने लगोगे। तो गाइज आपको सोना है, कम से कम 9 से 10 घंटे तक आपको आराम से सोना है। उसके बाद वाले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं गाइज, अभी से ही आपको जो है स्टार्ट कर देना है स्ट्रेचिंग। जी हाँ गाइज, स्ट्रेचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, यानी कि हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेचिंग की मदद से, हम लोग क्या करते हैं कि बोन, जितना भी बोन के सेल्स
जो है उनके बीच में जो है खिंचाव होता है, तो क्या होता है गाइज वहाँ पे प्रोटीन जो है बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है गाइज कि आपका हाइट जो है इन्हांस होता है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग रोज करना है। रोज करने से क्या होगा गाइज कि वहाँ पे आपके जो है हाइट जो है 2 से 3 इंच आराम से बढ़ जाएंगे। कोई भी टेंशन नहीं वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ मैं करता था, वही चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब गाइज इसके बाद वाले तरीके की तरफ बढ़ते हैं, वो सबसे लास्ट नंबर तरीका है, वो है क्या गाइज, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जी हाँ गाइज, बहुत सारे लोगों के मन में ये स्ट्रेस होता है गाइज कि मैं नाटा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। जी नहीं, आपको भगवान ने बनाया और आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे दिखते हो गाइज। आपको ये बिल्कुल भी नहीं मानना कि मैं नाटा हूँ। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आपके HGH जो है वहाँ पे ब्लॉक होंगे, साथ में साथ टेस्टोस्टेरोन भी आपका नहीं निकलेगा, जिसके वजह से आपका हाइट कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो स्ट्रेस को लेना अभी से बंद करो। तो गाइज यही था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यही सब ट्रिक मैंने यूज़ किया और अपने हाइट को बढ़ाया। ये सब ट्रिक को आप यूज़ करके आप अपने हाइट को भी बढ़ा सकते हो। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।